अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम शेयरिंग अनस्टिच ड्रेस बाय सायरा शकीरा। वैसे अच्छा, सायरा शकीरा बाय क्रिम्सन बाय सायरा शकीरा होता है, और इस बार सायरा शकीरा लॉन बाय क्रिम्सन। तो और ये जो है ना, इस बार सायरा शकीरा के अलग सेपरेट पेज पर है, वरना मोस्टली जो है वो क्रिम्सन के पेज पर होता। तो इसकी इसकी प्राइस तो खैर डिस्क्रिप्शन में होगी, और लेट्स सी हाउ इज इट। अच्छा जी, ये है इसका सेंटर पैनल, ये इसके साइड के पैनल्स हैं। उसके बाद जो है इसके अंदर खासा, ये इसके पैचेस हैं, मोटिव्स या पैचेस, ये यहाँ पर एडजस्ट होने हैं, जो कि मुझे वैसे देखने में अच्छे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एडजस्ट हुए तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लग रहे, लेकिन उन्होंने लगाए हुए। उसके बाद जो है ये ऑर्गेन्जा के का क्या बॉर्डर है, लाइक यहाँ पर ये लगेगा दामन पर। उसके बाद इन्होंने वाइट कलर की लेस दी है, ये वाली, ये भी फ्रंट बैक के दामन के बॉर्डर पे है, यानी कि इसके नीचे आना है। और उसके नीचे एक और ब्लू कलर की क्रोशिया लेस है, जो कि इसके गले के ऊपर भी लगी हुई, स्लीव्स के एज पर भी लगी हुई, यहाँ पर भी लगी हुई है, एंड ऑर्गेन्जा भी लगा हुआ है। इससे जो है वो लेंथ अच्छी खासी बड़ी हो जाएगी, बिकॉज ये इसके नीचे लगना है, इसमें तो एडजस्ट हो नहीं सकता। तो ये जो है हमें, बल्कि जितनी लेंथ चाहिए उस हिसाब से हमें लगाना पड़ेगा। यहाँ तो बहुत ज़्यादा लंबा जो है वो लगा हुआ है। तो फ्रंट बैक दोनों के जो हैं इसके बॉर्डर हैं। उसके बाद है इसका, ये बहुत ज़्यादा इसके पैचेस हैं, और बहुत ही ज़्यादा वो हैं पैनल्स, और इतने को 50 टुकड़े। इसकी तो डिस्क्रिप्शन इतनी लंबी होती है कि पढ़ने की हिम्मत ही नहीं होती है। अच्छा, उसके बाद इसका बैक है, बैक के अंदर जो है ये मोटिव्स तो बने हुए नहीं हैं। अच्छा जी, ये एक मोटिव है बैक के लिए, इसके जो है ना बहुत ज़्यादा वो हैं, क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा पैनल्स और बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा ये हैं इसकी स्लीव्स, और उसके बाद स्लीव्स का एक और ऑर्गेन्जा का बॉर्डर है, ये वाला। फिर उसके बाद जो है क्रोशिया लेस एंड ये लगा हुआ है, क्या कहते हैं, ऑर्गेन्जा। तो ये स्लीव्स हो गई। उसके बाद मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतना छोटा सा पीस इन्होंने किस लिए दिया है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने लिखा है एक को ये भी दिया है, जिस पे लिखा हुआ है कि जाल फॉर नेक, जबकि इसके अंदर तो जो लगाया है वो जाल नहीं, वो पिंटेक्स वगैरह इसके ऊपर की हुई। बहुत कॉम्प्लिकेटेड ड्रेसेस हैं फल्ला। अच्छा, ये है इसका दुपट्टा, जो कि इतना सा पीस है, क्योंकि इसके सारे बॉर्डर्स जो हैं वो फिर बढ़ते हुए लगने हैं। उसके बाद दो ये मोटिव्स हैं, जो कि मुझे समझ में कहीं आ नहीं रहे, क्योंकि सिर्फ दो मोटिव हैं। और उसके बाद फिर ये हैं इसके, अच्छा सॉरी, ये हैं इसके पल्लू के बॉर्डर्स, इस तरीके से बढ़ते हुए लगेंगे, जिससे इसकी लेंथ इंक्रीज होगी। तो ये तो हो गए फ्रंट एंड बैक दोनों के। उसके बाद ये इसके लॉन्ग साइड के दो बॉर्डर्स हो गए, शुक्र है मसला हल हुआ। एंड तो जो चीज़ समझ में नहीं आई वो ये कि एक छोटा सा पीस, जिसको मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ कि कहाँ है। अच्छा जी, इसकी डिस्क्रिप्शन इतनी ज़्यादा है कि मैंने पढ़ने की कोशिश की है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये प्लेन फैब्रिक कहाँ है, तो मेरी नज़र से हट वो गुजर रहा है। ये हो सकता है कि गले के अंदर जो है इसके पिंटेक्स डाल के लगाया हुआ है, उसके लिए हो। उसके बाद इसका जो है ये ट्राउज़र का कपड़ा है, कॉटन का नॉर्मल, और उसके बाद फिर इसके ट्राउज़र का ये पैच है। तो वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा पैचेज, मतलब लॉन के जोड़े के हिसाब से बहुत ज़्यादा, इसमें काउंटिंग में ही देखें इतनी सारी डिस्क्रिप्शन है, और ये सारे एक एक टुकड़ा जो है वो अलग अलग है। लेकिन वैसे कलर अच्छा है, एंड दुपट्टे का के बॉर्डर्स वगैरह अच्छे हैं, सो ओवरऑल इट्स गुड। बाकी आप सबको कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा, एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।